आदाब चिल्ले इलाही, बताइए अपनी जुबानी कैसे लग रहे हैं हम? जान ही ले लोगे, बोल दीजिए। खामोश खामोश। ये क्या हुलिया बना रखा है? दौड़ क्या करते हम? इन्होंने हमें ना मर्द के साथ रखा ना औरत के साथ रखा, और जिनके साथ रखा था उनके साथ रहने के बाद तो हमारा यही हुलिया होना था ना। वो कहते हैं ना कवि संत, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। खैर है, जो भी हो फिलहाल तो मुद्दे की बात पे आते हैं। बिजोलिया के महलों से तो अच्छी तरह वाकिफ हो गया, कहां कहां आम रियाया की रिहाइश है, कहां कहां उनके फौजी ठिकाने हैं, और कहां कहां उनके हथियार और असलहों के जखीरे रखे जाते हैं। बिजोलिया, सुगंध वाली रानी आओ। उन्हें भूल जाओ। हुकुम, वो कहते हैं ना कि यदि आप दिल खोल के किसी को अपना दिल दे तो सारी कायनात को आप जानने लगते हैं। बिजोलिया क्या चीज है? वैसे ये क्या चीज है? जब सारी कायनात के बारे में मालूमात कर चुके हो फिर इन्हें नहीं पहचानते? कैसे जानूंगा, पिछले कितने महीनों से तो आपने मुझे कमरे में बंद करके रखा है। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं आपको कि कौन है ये। ये है मारवाड़ रियासत की राजकुमारी फूल कंवर। बिजोलिया में यही हमारी मंजिल है, और प्रताप रास्ते का कांटा जो इस वक्त वहीं पर है। हम हमारी मंजिल को हासिल करने जा रहे हैं, और वहीं पर हम उस प्रताप नाम के कांटे को भी निकाल के फेंक देंगे। वाह वाह, इसे कहते हैं खूबसूरती की इंतहा। माशाल्लाह। या अल्लाह, क्या हुआ? क्या बात? क्या बात? क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? रहने दीजिए, दासी साफ कर देगी। जाओ। क्षमा कीजिए मासी जी, वो हमने बहुत समय से शस्त्र अभ्यास नहीं किया था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा अभ्यास कर ले। तो फिर यहाँ क्यों? ये तो बहुत छोटी सी जगह है। आइए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं दंगल स्थल। वहाँ पर आप चाहे जिस हथियार के साथ अभ्यास कर सकते हैं। आइए। नहीं नहीं मासी जी, आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें वहाँ का मार्ग बता दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। ठीक है कुंवर प्रताप, आगे से बाएं, फिर बाएं और फिर दाएं। यदि फिर भी आपको ना मिले तो किसी से भी पूछ लीजिएगा। धन्यवाद मासी जी। फिजूल में वक्त जाया कर रहे हैं आप हमारा खामोश खड़े रहकर। कुछ बोलिए, बोलिए। हम्म।
बहुत प्रथम माफ कर दीजिए, आप दोनों माफ कर दीजिए, हम मेवाड़ छोड़ के चले जाएंगे, मुगल छोड़ के, मुगल या सल्तनत सब छोड़ के चले जाएंगे। सुल्तान सिंह, आपको क्या लगा था जलाल बचाएंगे आपको? गलत सोच रहे हैं आप सुल्तान सिंह। पासा पलट चुका है सुल्तान सिंह, आपने हाथ मिलाया था बैरम खान से, और हमने हाथ मिलाया है बैरम खान से भी हजार गुना शक्तिशाली मुगल सल्तनत के शहंशाह से। सुल्तान सिंह, आपको जीवित छोड़कर हमारे दाजीराज ने भूल की थी, और हम वो भूल नहीं करेंगे। आज हम आपके प्राण लेकर ही रहेंगे सुल्तान सिंह। नहीं, आज हम दोनों मिलकर मारेंगे इसे। धोखा। खुद जल्दी निर्णय कीजिए कि नामकरण समारोह में आपको कौन कौन से आभूषण पहने हैं, ताकि हम जाके बाबू का भी हार बढ़ा सके। अच्छा ठीक, यदि उन्होंने हमारे साथ कोई दूसरा रूप धर के छल किया तो? क्योंकि उस समय उन्होंने हमारे सामने एक साधारण नागरिक का रूप धरा था, और जिस तरह हम उलझे थे ना उनके साथ, कोई नहीं करता उनके साथ वैसा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। अच्छा फिर ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, आप देख रही हैं ना कितने परेशान हैं हम इस समय। एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए ऐसे, अब तीन बार गहरी गहरी सांसें लीजिए। अब थोड़े ही समय में आपका मन हल्का हो जाएगा। नहीं अजब दे, मन हल्का नहीं, वर प्रताप से क्या हुआ, झगड़ा ही याद आ रहा है हमें तो बार बार। फूल, हमने जैसा कहा है आप वैसे ही करिए फूल, तब तक हम अपना काम कर कर आते हैं। हम सत्य कहेंगे, हम भाग नहीं रहे थे, हम इस स्थिर चित्र में जो चित्र है उससे डर गए थे, भयभीत हो गए थे। शहंशाह आपके सामने जिंदा जावेद खड़े हैं और आप एक तस्वीर को देख के डर रहे हैं? नहीं, नहीं माता जी, हम इनके स्थिर चित्र को देख के भयभीत नहीं हुए, इनके साथ जो ये जो खड़े ना, हम इनको देख के भयभीत हुए। आप जानते हैं इसे? प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका तात्पर्य ये हुआ कि ये इन्हें जानते नहीं है। हमारी छोड़िए, आप बताइए क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, दोस्त है ये हमारे। क्या? ये आपका क्या है? दोस्त अर्थात मित्र। ये आपके मित्र है, इसे कहते हैं नेवला साहब के साथ मित्रता करने चला। क्या बात कर रहे हैं आप? हम सत्य हकीकत बयान कर रहे हैं। वैसे आपके इस हाव भाव से हमें लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है माता जी, कि आपको सचमुच नहीं पता कि ये कौन है। हम बस इतना जानते हैं कि ये दोस्त है हमारे, कौन है, कहां से है, ये जरूर नहीं जानते, किंतु हम जानते हैं कि हमारा अंदाजा बिल्कुल सही है। हम अब आपसे प्रश्न
उल्टा करके पूछते हैं, ये बताइए कि क्या ये जानते हैं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? अपनी पहेलियां बंद कीजिए और हमें सीधे सीधे बताइए कौन है ये? ये हुकुम, ये वो है जो अवश्य नहीं जानता कि आप कौन हैं, क्योंकि यदि ये जानता कि आप कौन हैं तो आपका गला काट। खामोश खामोश। यदि हम खामोश हो गए तो आप हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। माताजी समझाइए इन्हें, ये वो है जो मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देगा, ये वो है जो अपनी नींद में भी मातृभूमि की रक्षा की माला जपता रहता है, ये वो है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? यकीन आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो आपको हो रही है, पता है क्यों? ये हम बताएंगे आप, हम बताएंगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आप अकल के कच्चे हैं, आप बेवकूफ हैं, आप नादान हैं, आप में रत्ती भर भी बुद्धि नहीं है। प्रताप आपके गले में यूं बाहें डालकर खड़ा रहेगा और आपका गला यूं दबोच लेगा, आपकी छाती पे मूंग दलेगा और उसी मूंग दाल का हलवा खाएगा। आप ना हलवे का कुछ बिगाड़ पाएंगे ना प्रताप का। आपकी इतनी जुर्रत की आप हमारा और प्रताप का नाम एक सांस में ले और वो भी हमारे सामने? हमारी जुर्रत नहीं है हुकुम, बैरम खान जी की जुर्रत है। उन्होंने कहा था कि उनके जैसे बुद्धिमान को यदि प्रताप चकमा दे सकता है तो जलाल क्या चीज है। क्या कहा? खान बाबा ने कहा ऐसा? हाँ शहंशाह। हमने कहा ऐसा। बैराम खान, आपकी कितनी जुर्रत कि आप शहंशाह के बारे में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करें? हाँ मंगा, खबरदार। सुनिए, हम देखिए हम दंगल स्थल ढूंढ रहे हैं। दंगल? अच्छा, तो आप हमसे लड़ना चाहते हैं? ठीक है, तैयार हैं हम। नहीं नहीं, हम तो भूल से यहाँ आ गए, हमें लगा कि ये दंगल स्थल है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ है दंगल स्थल? अच्छा, भूल भूल कुछ नहीं, अब जानबूझकर यहाँ आए। आपको कहाँ से एक दंगल स्थल दिखता है? लगता है शिष्टाचार से आपकी कभी जान पहचान ही नहीं हुई। अच्छा, तो अब आप हमें सिखाएंगे शिष्टाचार? हमें? चुप चुप। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जलाल, जो हमने आपसे कहा था आपने उसे सच साबित कर दिया, क्योंकि इस तस्वीर में आप जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्रताप है। क्योंकि इस तस्वीर में आप जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्रताप है। यही अंतर हो
होता है मित्रों और शत्रुओं के बीच। जैसे भले इस समय हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं, परंतु फिर भी हम आपके साथ गांव के हाट तक चलेंगे, क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। ये प्रताप नहीं हो सकता, ये हमारा इकलौता दोस्त है। दोस्त नहीं शहंशाह, ये आपका दोस्त नहीं है। ए सुल्तान, बताओ शहंशाह को कौन है ये, बताओ। अरे हम क्या बताएं, कब से यही तो प्रयत्न कर रहे हैं हम बताने का कि ये प्रताप है, प्रताप है, प्रताप है, पर आप मानने ही तैयार नहीं हो रहे। और अच्छा है कि इस प्रताप को पता नहीं है कि आप कौन है, अन्यथा आप हमारे सामने यूं खड़े नहीं होते, हम आपके मकबरे के सामने खड़े होते, आंसू बहा रहे होते। ज़बान गलीज़ इंसान, कुछ भी बोले जा रहा है, लगाम दो अपनी ज़बान को। नहीं दूंगा लगाम अपनी ज़ुबान को, जो कहना है कह के रहूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि हम सत्य कहते हैं और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहते हैं। और सत्य यही है कि ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन नहीं, नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप सब। इस तस्वीर में जो हमारे साथ खड़ा है वो दोस्त है हमारा। कान खोल कर सुन लीजिए सब, ये दोस्त है हमारा, दोस्त। जलाल, जलाल। मैं राम खान। लगता है जलाल को घाव पे घाव देते रहना शौक बन चुका है आपका। बराए मेहरबानी उनके घाव पर मरहम लगाने का मौका हमें ही दीजिए। आप चुप रहो महामंगा। मरहम लगाओगे तो तुम्हारे भरोसे ही छोड़ के गए थे हम जलाल को, और देखो तुमने उसे कहां पहुंचा दिया। अपनी मौत को गले लगा रहे। देखा यहाँ सब जानते हैं आपको, झुक झुक के सम्मान के साथ अभी नंदन भी कर रहे हैं वो आपका। कौन है आप? प्रताप आपके गले में यूं बाहें डालकर खड़ा रहेगा और आपका गला यूं दबोच लेगा, क्योंकि इस तस्वीर में आप जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा बड़ा मन प्रताप है। शहंशाह, एक ही तो दोस्त था हमारा। बड़ी कामयाबियां बड़ी कुर्बानियों से आती हैं जलाल, और फिर आपने ख्वाब भी तो इतना बड़ा देखा है जिसके तसव्वुरात समेटने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर जलाल, अपनी दोस्ती के जज्बे को अगर आप अपने मकसद से ज्यादा अहमियत देंगे तो वो खुदगर्जी नहीं कहलाएगी और बेवकूफी भी, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर
प्रताप को आपका असलियत पता चल गया तो वो एक लम्हा नहीं लगाएगा आपको मारने से पहले। और जलाल, एक सच्ची दोस्ती के जज्बे को भुला पाना किसी बड़े जंग में शरीक होने से कम बहादुरी का काम नहीं है। और वैसे भी आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आप हैं हम और बहादुरी की हदों को पार करना आपके खून में है। जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? प्रयास करते करते थक जाएंगे और धूल चाहेंगे और फिर अंत में हार मानेंगे। क्या कर रहे हैं आप?